नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मूंगफली का बिजनेस कम पैसे में छोटे लेवल पे कैसे करें, बड़े लेवल पे कैसे करें, और दोस्तों जो तरीका हम बताएंगे कि जहां से खरीदेंगे दोस्तों एक किलो के पीछे 40 से 50 रुपए का प्रॉफिट आएगा। दोस्तों इसे आप पैकेट करके बेच सकते हैं, खुले में भी बेच सकते हैं। दोस्तों चाहे आप गांव से हो या सिटी हो, सब जगह मूंगफली बिकता है, और ख़ास करके दोस्तों ठंडी के सीजन में सबसे ज़्यादा बिकता है। व्रत में लोग इसका प्रयोग करते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी लड्डू बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, मूंगफली का तेल भी बिकता है। तो दोस्तों इस छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे ले जाएं, वो भी कम पूंजी में, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जहाँ से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं या जिस मार्केट से आप हैं, दोस्तों आप अपने मार्केट में जाइए और वहाँ का सर्वेक्षण करिए और पता करिए एक पाव मूंगफली का रेट क्या है और एक किलो का क्या रेट है। यहाँ से रेट आप अपने एक कागज़ पे लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपने जो तहसील लेवल पे दुकान होती है और वहाँ पे बड़ी किराना की दुकान होती है, वहाँ पे जाइए, मूंगफली का रेट लीजिए, वहाँ पे मूंगफली का क्या रेट है एक किलो का और एक पाव आधा किलो का। उसके बाद एक कदम और आगे चलिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बड़े बड़े होलसेलर होते हैं और दोस्तों वहाँ पे किराना स्टोर की बड़ी दुकान होती है, ड्राई फ्रूट्स की बड़ी दुकान होती है, वहाँ पे मूंगफली पता करिए। मूंगफली दो टाइप की होती है दोस्तों, एक सफ़ेद मूंगफली होती है और एक थोड़ा सा ब्राउन होती है। दोनों एक ही मूंगफली होती है, लेकिन जब ये नया होता है तो सफ़ेद टाइप में होता है दाना, और धीरे धीरे जब रखे रखे दोस्तों पुराना हो जाता है तो वो ब्राउन टाइप में हो जाता है। तो दोनों का रेट में भी डिफरेंट होता है, तो दोनों के रेट आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे रेट लीजिए आप अपने तीन जगह का रेट ले लिया, अपने जहाँ पे रहते मार्केट का, तहसील का और डिस्ट्रिक्ट का। अब ये रेट आप देख लिया तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जिस आप मार्केट में रहते वहाँ के रेट में, तहसील लेवल के रेट में 10 से 15 रुपए किलो के पीछे पे डिफरेंट आया होगा, और आप जिले में चले गए दोस्तों वहाँ पे फिर 20 रुपए का डिफरेंट आपको किलो के पीछे आ गया है। पाव पे दोस्तों अगर पाव की बात करें तो पाव में दोस्तों 25 से 30 रुपए का डिफरेंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए मूंगफली 100 रुपए किलो है, अगर आप इसे पाव लेते हैं तो आपको 30 रुपए किलो में 30 रुपए पाव मिलेगा, यानी 120 रुपए मिलेगा। कहीं कहीं इसे 40 रुपए पाव, 35 रुपए पाव तक भी बेचते हैं। तो दोस्तों इस तरह अब दोस्तों जब डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, वहीं पर एक काम और करना है, तो वहीं पे ये पता कर लीजिए होलसेलर की दुकान पे, भैया हमें 10 किलो मूंगफली चाहिए, मेरे पास किराना है, मेरे पास दुकान है, दुकान के लिए 10 किलो 20 किलो क्या रेट है, तब आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देखा 20 किलो जब रेट आपने पता किया, 20 किलो लेना है, 10 किलो लेना है और 1 किलो का रेट आपने पता किया, दोनों में कम से कम 15 रुपये का डिफरेंट आएगा। यहाँ पे 15 रुपये का डिफरेंट आपको आ गया। अब आपको अभी जानना है, सीखना है थोड़ा सा, जब तक आप जमीनी जानकारी नहीं लेंगे दोस्तों एक नहीं बेच सकते। तो वहाँ पे आपने देखा 15 से 20 रुपए का डिफरेंट आएगा। अब आपने नॉलेज हो गया इसका रेट क्या है, कैसे करना है, अब दोस्तों करना कैसे, चलिए ये जानते हैं। अब आपको दोस्तों एक कदम आगे निकलना है, आप जिस स्टेट से, अपने स्टेट की राजधानी में जाइए या आप अपने स्टेट के जो महानगर होते हैं, हर एक स्टेट में 4-6 महानगर होते हैं, 4-6 महानगर मतलब बड़े लेवल पे, मंडल लेवल पे, जिसे मंडल कहते हैं, उस मंडल से 5-6 जिले जुड़े होते हैं। तो आपको अपने जाना है दोस्तों स्टेट की राजधानी में, दोस्तों हर एक स्टेट की जो राजधानी होती है वहाँ से आपका जिला, मान लीजिए किसी का जिला 100 किलोमीटर, किसी का 50 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 250 किलोमीटर पे, मतलब 200 किलोमीटर के नियर अबाउट में आपको एक महानगर मिल जाएगा। और इस राजधानी लेवल जो होती है स्टेट की, और दोस्तों महानगर जो होते हैं यहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, यहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट किसे कहते हैं, जो दोस्तों कमीशन बेच पे ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, तो कमीशन एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे दोस्तों आप रेट लेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 किलो 5 किलो नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको बोरा मिलता है।
बोरा कितने किलो का होता है, 60 किलो का होता है, 70 किलो का होता है, तो इतना आपको एक बोरा यहाँ पे कुंतल का रेट आपको बताया जाएगा और आपको पूरा बोरा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ का रेट आप देखेंगे तो दोस्तों आप चौंक जाएंगे। अब जहाँ आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रेट लिया था 10 किलो 20 किलो का, और यहाँ जब आप बोरे का रेट ले रहे हैं तो दोस्तों कम से कम 15 रुपये का डिफरेंट आएगा, 10 से 15 रुपए का डिफरेंट आएगा। अब आपको सिर्फ एक ही बार जाना है स्टेट में, महानगर में एक ही बार जाना, उसके बाद उस दुकानदार का कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हो जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा, आप उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे या जीपे कर दें, पेटीएम कर दें, कुछ भी कर देंगे, माल आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट पे एक बोरा पे ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये एक बार आप यहाँ विजिट करेंगे तो यहाँ पे जो हम रेट नहीं आपको बताएंगे, आज हम यहाँ पे फार्मूला बताएंगे किस फार्मूले से करना है। अगर आप सिर्फ रेट की बात करें तो आज की डेट में दोस्तों ये जो दाना है 100 रुपये से 110 रुपये बेस्ट क्वालिटी का, 100 से 110 रुपये है बेस्ट क्वालिटी का आग बोरा लेते हैं तो, और यही मार्केट में 40 रुपये पाव बिक रहा है, 35 रुपये पाव बिक रहा है, और जो बड़ा दुकानदार है वो 30 रुपये पाव, यानी कि 120-130 रुपये से नीचे नहीं बिक रहा है, यानी कि 20 से 25% आपका प्रॉफिट होना ही होना है अगर आप राजधानी से माल उठाते हैं। और यही जब राजधानी से उठाएंगे तो 100 रुपये किलो आपको पड़ेगा, जो पूरा बोरा लेंगे, और थोक मिला करके आप 120 रुपये किलो बेच सकते हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे आप देखते हैं जो छोटी छोटी मार्केटें होती हैं, उस मार्केट में दुकानदार होते हैं, अब उन दो दुकानदार 3 किलो लेते हैं, कोई 4 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो लेता है, तो इन दुकानदारों को आपको देना है माल, वहाँ से मंगाना है। और दोस्तों अगर आप एक कुंतल माल मंगाते हैं, एक कुंतल का मतलब 2 बोरा, तो एक कुंतल माल का तो आपको 10 दुकान पर ऑटोमेटिक बिक जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीका का मतलब दोस्तों आपको इसी तरह से जिप लॉक पन्ने मिल जाएगी, जिप लॉक, इसी तरह से जिप लॉक छोटी बड़ी पन्नियाँ मिल जाती हैं। जैसे आप लोग आप जानते ही हैं, कुछ लोग हैं उन्हें दोस्तों पैकेट में चाहिए, वो खुला नहीं पसंद करते हैं, उनको ये लगता है खुला जो है उसमें डस्ट आ जाएगी, इसी तरह से आप ये जिप लॉक पैकेट ले सकते हैं। देखिए ऐसे जिप लॉक पैकेट होते हैं, ऐसे होता है, अब इसमें जब दाना देंगे यहाँ से दाना देखिएगा भी, और इस तरह से आप इसे खरीद करके इसके अंदर करके ऐसे दबा दीजिए, पैक हो जाएगा। और या नहीं तो एक सील पैक मशीन भी आती है, और इसको यहाँ से कर देंगे तो यहीं पे सील पैक हो जाएगी, ऐसे मशीन से दाब देंगे तो 700-800 रुपये में सील पैक मशीन मिलती है, ये बच जाएगा। तो अगर इसको पैकेट में करके, वही खुले दाना आप पैकेट में करके दोस्तों आप दुकानों पर भी सप्लाई कर सकते हैं, दुकानदार को भी आसानी हो जाती है, सिर्फ 5 रुपये किलो के पीछे आप बढ़ा दीजिए, 5 रुपये किलो के पीछे बढ़ा देंगे तो भी दुकानदार लेंगे, उनको वजन नहीं करना पड़ेगा, वो कस्टमर आएगा पैकेट पकड़ा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब ये जिप लॉक पैकेट जो पन्नी मिलती है दोस्तों 270 रुपये किलो से लेकर के 280 रुपये किलो मिलती है, जैसे भी आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट में थोड़े से रेट में डिफरेंट फर्क है। तो इसमें छोटे बड़े साइज की आती है, जैसे इसमें तो आपका जो है आधा किलो आ जाएगा, इसमें जो है ये भी दोस्तों आधा किलो आ जाएगा, इसी तरह से छोटा आती है, इसमें 100 ग्राम 200 ग्राम आप पैक कर सकते हैं, कुछ लोग 100 ग्राम लेना चाहते हैं 100 ग्राम में ले लेंगे, तो पैकेट लेना सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप पैकेट में ले सकते हैं। अगर पैकेट पे आप छपा छपाया बना लेना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसे मार्केट में आपको कंपनियां हैं प्रोवाइड करती हैं प्रिंटिंग प्रेस, वो छपा छपाया उस पर मूँगफली छपा रहेगा, सब कुछ छपा रहेगा, लेकिन रेट नहीं रहा उस पर, कंपनी का नाम नहीं रहता। तो दोस्तों छपी हुई पन्नी लेकर के उसमें भी पैक कर सकते हैं, छपी वाली पन्नी अगर आप लेते हैं लोग उसे ज़्यादा लाइक करते हैं, तो 5-10 रुपये किलो के पीछे आप महंगा बेच सकते हैं अगर आप पैकेट में इसे पैक करते हैं, इस तरीके से आप पैक करके इसको आप बेच सकते हैं। तो कहाँ से बिजनेस करना है, अपने स्टेट की राजधानी से मूँगफली उठाइए। जब दोस्तों यहाँ से आप एक कुंतल से शुरुआत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके पास मार्केट का अनुभव हो जाएगा, तब आप डायरेक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है, या दोस्तों दिल्ली में खाली बावली है, खाली बावली जो ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है, अपने एशिया की सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है, तो खाली बावली भी एक बार विजिट करके दिल्ली जाके दिल्ली भी टहल सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो होलसेलर हैं उनसे संपर्क करके दोस्तों एक बार 10 कुंतल 5 कुंतल आप मंगवा लीजिए, एक बार उनको पेमेंट कर दीजिए, उनका एड्रेस आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा,
आपका कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास हो जाएगा। तो दोस्तों यही घर से आप ऑर्डर कर सकते हैं, 20 कुंतल, 25 कुंतल, 50 कुंतल या एक ट्रक आप मंगा करके आप पूरे अपने एरिया में सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये मूंगफली का बिजनेस पक्का बिजनेस है, ये मूंगफली जल्दी सड़ती गलती नहीं है, सड़ती गलती नहीं है। ये दोस्तों बहुत बिजनेस, इसमें नुकसान नहीं होता है। हाँ मार्केट है, मार्केट में कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन लगा रहता है, लेकिन नुकसान नहीं होता। जितने में आप खरीदेगे घाटे में कभी नहीं बिकेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप खरीदिए मूंगफली और आप अपने पूरे जिले में बेचिए, सब दुकानदार के सब दुकानदारों को दे दीजिए। और एक दोस्तों जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से आप हैं, उस मार्केट में एक छोटा सा कमरा भी ले लीजिए। वहाँ पे आप मान लीजिए आपका नाम है विजय, विजय मूंगफली वाला, उस नाम से एक बोर्ड लगा लीजिए। तो उस एरिया के जितने लोग हैं सब भैया चलिए विजय मूंगफली वाले के ले लीजिए, उनके यहाँ सिर्फ मूंगफली का ही बिजनेस होता है, सिर्फ मूंगफली ही बिकती है, तो उनके यहाँ हमें सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे भी आपका 40-50 किलो मूंगफली सुबह से शाम तक बिक जाएगी। 40-50 किलो अगर ऐसे भी बिक गई तो आपको 20 रुपए किलो के पीछे मिल रहा है, 800-900 रुपए तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी आप बेच सकते हैं, वैसे भी बेच सकते हैं, सप्लाई भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं आपके यहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट से लेना पड़ेगा, जहाँ पे कमीशन बेस पे वहाँ पे होलसेल का काम होता है, वहाँ से लेने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ एक बार आने जाने में आपका पैसा खर्च होगा। तो दोस्तों जब हम बिजनेस की शुरुआत करें, वो भी बड़े लेवल पे, तो थोड़ी सी जानकारी हासिल करने के लिए उसके बारे में दोस्तों हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पैसे भी खर्च कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप मूंगफली का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमें शेयर किया, इसमें कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, जब आप बड़े लेवल पे करेंगे दो कागजात आपको लेना पड़ेगा। पहला है जीएसटी नंबर, दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है FSCI रजिस्ट्रेशन, यानी फूड का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फूड का रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों मात्र 100 रुपये लगता है एक साल के लिए। आप FSCI की वेबसाइट पे जा करके आप इसके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर करके आप खुद वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों मात्र 100 रुपये एक साल के लिए, एक साल के बाद इसे फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, आपको फिर 100 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।